सांगरी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सांगरी को 7 से 8 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, तो जब भी आप भी अगर जब भी सब्जी बनाए तो उसको 7-8 घंटे पहले भिगो के रख दें। सांगरी की सब्जी के साथ में हम ये भी डालेंगे, इन्हें राजस्थान में फटकड़ियाँ बोलते हैं, ये नॉर्मल बाजार में अवेलेबल होते हैं, तो आप जब भी बनाए तो बाजार मार्केट से ला सकते हैं। ये सांगरी की सब्जी में हम थोड़े से डालेंगे केयर, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं इनमें थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें अपनी पसंद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन दोनों को भी मैंने 3 से 4 घंटा पहले भिगो दिया था, तो जब भी आप बनाएं तो आप इनको भी साथ में भिगो दें 3-4 घंटा पहले। तो अब हम सांगरी को पहले 3-4 पानी अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि हमने इसे 6-7 घंटे भिगो के रखा है। तो अब मैंने सांगरी को 3-4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है, तो अब हम प्रेशर कुकर में अपनी सारी सामग्री को डाल देंगे। और अब हम इन सागरी के साथ में ही इन भटकनियों को डालेंगे और अब हम हमारे कैर को भी इसके साथ ही डाल देंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। तो अब हम इसमें 1 से 1.5 ग्लास के करीब पानी डालेंगे, तो मैं यहाँ पे 1.5 ग्लास इसमें पानी ऐड करती हूँ। तो अब हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे और इसकी 1 सीटी आने के बाद भी लो फ्लेम पे हम इसे 2-3 मिनट तक गैस पर चढ़ाए रखेंगे। तो अब हमारे कुकर में 1 सीटी आ गई है और सीटी आने के बाद मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और लो फ्लेम पर इसे पकते हुए 2 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और अब हम इसकी प्रॉपर गैस निकलने का वेट करेंगे और उसके बाद हम कुकर को ओपन करेंगे। तो अब हम कुकर को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम अपनी इन सारी सामग्रियों को इस छलनी के ऊपर निकाल देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी हो वो नीचे निकल जाए। को इस बाउल में निकाल लिया है। तो अब मैंने कढ़ाई चढ़ाई है गैस पर, कढ़ाई के अंदर मैं यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम तेल डाल रही हूँ। सांगरी की सब्जी में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तेल और मसाले ज्यादा पड़ते हैं, इससे ही सांगरी की सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो आप भी जब बनाएं तो तेल और मसाले थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालें। और अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब जीरा डालेंगे और अब हम इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे और अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और अब मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 3-4 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसे डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब हम इसमें हमारी सांगरी ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे हाई नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब मिर्च पाउडर डालेंगे और मिर्च पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे और नमक और गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 चम्मच और मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ जिससे ये और ज्यादा चटपटा हो जाएगा। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि सांगरी को उबालते समय भी हमने 1 चम्मच के करीब नमक डाला था और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब ही अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर डालने से इसका स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आता है और सांगरी की सब्जी में ये डलता भी है, इसलिए आप जब भी बनाएं तो जरूर डालें इसे। मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला डाल रही हूँ इसे चटपटा बनाने के लिए
अगर आप थोड़ा ज्यादा चटपटा खाते हैं तो आप इसमें थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं। हमारी सांगरी पहले से भिगोई हुई थी और उसके बाद हमने इसे उबाल भी लिया था, इसलिए मैं इसे अब 8 से 9 मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद हमारी सांगरी की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हमारी सब्जी बनते हुए 8 से 9 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और हमारी सांगरी की सब्जी खाने के लिए तैयार है। तो आप ज़रूर ट्राई करें बनाकर। गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।